हाय फ्रेंड्स, मैं अंकिता यादव। आज मैं अपने चैनल में एक हेयर पैक लेके आई हूँ जो बालों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। जिनके वाइट बाल हैं, जिनके बालों की ग्रोथ कम है, ये उनके लिए काफ़ी इफेक्टिव है। तो यहाँ देखिए, मैंने ये 2 चम्मच आंवला पाउडर लिया है और ये 4 चम्मच मेहंदी और 1 चम्मच कलौंजी पाउडर और ये हॉट वाटर। और इधर मैंने लोखन का तवा लिया है। लोखन के तवे में आयरन निकलता है जिससे हमारी मेहंदी का कलर ब्लैक होता है और हमारे बालों अप्लाई करोगे तो बाल भी रेड होने की जगह काले होंगे। तो हम तीनों को मिक्स कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये मेहंदी, आंवला पाउडर और ये कलौंजी पाउडर, ये तीनों हम मिक्स कर लेंगे और हम गर्म पानी की वजह से सॉरी गर्म पानी के साथ में इसको मिक्स करेंगे। इसमें भी फ्रेंड्स कुछ टर्म कंडीशन है। किसी किसी को मेहंदी पाउडर सूट नहीं करता है और किसी किसी को आंवला सूट नहीं करता है, तो वो ये हेयर पैक अवॉइड करें क्योंकि बहुत लोगों को इससे हेयर फॉल्स एंड इचिंग्स सर में होने लगती है। तो ये सब अगर होता है तो वो कुछ और ट्राई करें जो उनको सूट करे, अपने सूट के हिसाब से ही है। तो ये नेचुरल ही है लेकिन सूट के हिसाब से है। अगर आपको सूट करता है तभी आप अप्लाई करो, ऐसा वीडियो पे मत जाइए कि आप वीडियो में देख रहे हो तो आपको अप्लाई करना ही है। और दूसरा क्या है, एक बार में कोई भी चीज़ आपको लाइफ टाइम के लिए काम करके नहीं देगी। जिस तरह मेडिसिन वगैरह आपको 1 वीक के लिए डॉक्टर लिखते हैं, उसी तरह ये भी है। आपको इसको हर 15 दिन पर ट्राई करना है, अपने बालों पे अप्लाई करना है बना के, और 15-15 दिन पे या महीने पे आप जिस तरह से आपके बाल वाइट या ग्रोथ कम है उनके, मतलब बढ़ नहीं रहे हैं या कोई भी प्रॉब्लम है, तो इसको महीने में एक बार ज़रूर बना के अप्लाई करें। काफ़ी काम करता है, मैंने खुद पे ट्राई किया है तो मुझे रिजल्ट मालूम है। काफ़ी अच्छा मेरा हेयर ग्रोथ भी हुआ और मेरे बाल भी अभी तक तो काले, मतलब वाइट नहीं दिख रहे कोई भी, सब काले ही हैं। तो अगर आपको सूट करता है तो एक बार ही हेयर पैक जरूर ट्राई करें। जिस तरह से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको हम रात भर, इसको रात को भिगाइए और रात भर इसको छोड़ के रखिए। सुबह मॉर्निंग में आप 9-10 बजे तक इसको अपने हेयर पे अप्लाई कर लीजिए। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए इसको और इसका मॉर्निंग में आपको दिखेगा कलर पूरी तरह चेंज हो जाएगा। आप देख रहे हो, ये लोखन के तवे की वजह से, आयरन की वजह से इसका पूरी तरह कलर चेंज हो जाएगा। इसको 2-3 दिन आप ऐसा करके मत रखिए क्योंकि उससे ये मेहंदी खराब हो जाती है, सड़ जाती है। इसको मिनिमम 10 से 12 घंटे ही बना के रखिए और उसको तुरंत फिर अप्लाई करिए और रिजल्ट देखिए। हर मेरा सजेशन है, अगर आपको सूट करता है तो हर 15 दिन पे या महीने पे आप इसे ट्राई कर सकते हो। तो ये देखिए, मेहंदी हमारा बन के रेडी हो गया है और हम इसे अब कवर करके रात भर सोक करने के लिए रखेंगे और मॉर्निंग में, मैं आपको मॉर्निंग का भी पिक्चर मैंने डाला है, आप आगे देख सकते हो, उसका कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है। और यहाँ देखिए, ये मैंने मॉर्निंग में आप देख सकते हो इसका पूरी तरह से ब्लैक हो गया है। वो पास से भी दिखाती हूँ, साइड साइड से आपको देखूँ। मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और अपने बालों पर अप्लाई। थैंक यू और सब्सक्राइब माय चैनल।